बच्चों, आज एक नया चैप्टर है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और इस नाम से ही बुक का नाम भी पड़ा है। तो फुटप्रिंट्स मीन्स होता है पैरों के निशान या पैरों के चिन्ह या पदचिन्ह, विदाउट फीट, बिना पैरों के पदचिन्ह। तो स्टार्ट करने से पहले आप दो तीन वाक्य देख रहे होंगे। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या एक व्यक्ति अदृश्य हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। यह एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी है जिसने यह खोज की कि कैसे स्वयं को अदृश्य बनाया जा सकता है। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? वह अपनी खोज का दुरुपयोग करता है अथवा सदुपयोग करता है? ये हम आगे कहानी में देखेंगे। तो हम यहाँ से देखते हैं इसको। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। व्हाट वाज a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London, and where was the man? The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. Pair means joda, of bare feet, nange pairon ka, nange paon ka ek joda jisne मड़ी कीचड़ में ताजे ताजे चिन्ह बनाए थे। उन चिन्हों को देखकर, उन पद चिन्हों को देखकर दो जो बच्चे थे, दो जो लड़के थे, वे आश्चर्य में पड़ गए। व्हाट वॉज अ बेयर फूटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस? एक नंगे पांव वाला व्यक्ति उस घर की जो स्टेप्स थी, सीढ़ियाँ थी, जो कि लंदन के मध्य में था। लंदन एक शहर है, लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ ब्रिटेन, तो इंग्लैंड की जो राजधानी है वो लंदन है। और लंदन के मध्य में एक घर था जिसकी कुछ सीढ़ियाँ थी, तो उन सीढ़ियों में एक नंगे पैरों वाला जो व्यक्ति है, अर्थात उसने जूते नहीं पहने थे, वो क्या कर रहा था? एंड वेयर वॉज द मैन? और वह व्यक्ति कहाँ था? एज दे गेज्ड, जैसे ही उन्होंने घूरा, उन दो लड़कों ने घूरा, अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, एक महत्वपूर्ण या एक उल्लेखनीय दृश्य उन्हें देखने को मिला। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहाँ से, नो वेयर मीन्स न जाने कहाँ से, न मालूम कहाँ से एक ताज़ा पैरों का निशान वहाँ प्रतीत हुआ। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फैंटर एंड फैंटर एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड altogether. For the footprints followed. आगे जो पैरों के जो निशान थे वे बढ़ते गए, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, descending the steps and progressing down the street, जो कि उस मकान की सीढ़ी से नीचे की ओर गली में जा रहे थे, अर्थात जो सीढ़ी होगी हाउस की वो गली, वो नीचे की ओर जाते होंगे, जो कि गली के लिए रास्ता बना देती होगी। द बॉयज फॉलोड, लड़कों ने उन जो पद चिन्ह थे उनका पीछा किया, फैसिनेटेड सम्मोहित होकर, अंटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फैंटर एंड फैंटर, जब तक कि ये जो कीचड़ में बने हुए जो चिन्ह थे या छाप थे वे क्षीण ना हो जाएं
एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, और अंततः वे पूर्ण रूप से गायब ना हो जाए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। द बेवल्डर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। जो मिस्ट्री थी, मिस्ट्री मीन्स रहस्य, रहस्य की जो व्याख्या थी वॉज रियली सिंपल इनफ, वह बहुत ही साधारण थी। अर्थात बच्चे तो जो दो लड़के थे वे तो विस्मय में पड़े थे, वे आश्चर्य में पड़े थे कि ये जो पैरों के चिन्ह हैं ये आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन ये किसके हैं। लेकिन इसकी जो व्याख्या थी ना, इस रहस्य की जो व्याख्या थी जिसको वो समझ नहीं पा रहे थे, वो वास्तव में बहुत आसान थी। किस बात को लेकर आसान रही होगी ये तो हम आगे देखेंगे। द बेवल्डर्ड बॉयज, जो घबराए हुए जो लड़के थे, हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, वे एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी अभी खोजा था, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि मानव के शरीर को कैसे पारदर्शी बनाया जाए, यह खोज उस वैज्ञानिक ने की थी। आगे है, ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। फाइनली ही स्वेलोड सर्टन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, दो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, उस वैज्ञानिक का नाम था ग्रिफिन, हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट। इस वैज्ञानिक जिसका नाम ग्रिफिन था, उसने एक के बाद दूसरा प्रयोग किया यह सिद्ध करने के लिए कि जो मानव का शरीर है उसे वह अदृश्य बन सकता था। इसके लिए उसने कई प्रयोग किए। फाइनली अंततः ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, उसने कुछ निश्चित दुर्लभ, रेयर मीन्स दुर्लभ, ड्रग्स का, जो नशीले पदार्थ होते हैं उनका सेवन किया, उन्हें निगला यानी उस ड्रग्स को पिया उसने, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, और उसका जो शरीर था वो कांच की सीट की तरह है, वो क्या बन गया, पारदर्शी बन गया। जैसे हम कांच के इधर एक ओर से दूसरी ओर देख सकते हैं इजीली, क्योंकि जो ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसी तरह उसने क्या किया, कुछ ड्रग्स को निगला और उसका शरीर भी कांच की चादर के समान क्या हो गया, पारदर्शी बन गया। इसका अर्थ ये हुआ कि उस वैज्ञानिक के शरीर के आर पार हम देख सकते थे। दो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, यद्यपि ये जो शरीर था, उसका जो ये शरीर था वह ठोस रहा, जैसे ग्लास होता है उसी तरह से ठोस बना रहा। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम इन रिवेंज। ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस टू गेट अवे विदाउट बींग सीन, ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वंडरर विदाउट क्लोथ्स विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल अंटिल ही happened to step in some mud and left footprints as he walked. Brilliant scientist, जो brilliant होता है उसका अर्थ होता है मेधावी, तो मेधावी यानी विलक्षण बुद्धि का जो वैज्ञानिक। दो ही वॉज, यद्यपि ग्रिफिन एक मेधावी वैज्ञानिक था, एक विलक्षण बुद्धि का वैज्ञानिक था, वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, लेकिन वह वस्तुतः एक कानून को न मानने वाला व्यक्ति भी था, अर्थात कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका जो लैंडलॉर्ड था, अब यहाँ पे जमींदार नहीं है, लैंडलॉर्ड का अर्थ है उसका मकान मालिक, उसके मकान मालिक उसे नापसंद करते थे,
जो उसका मकान मालिक था उसे डिसलाइक करता था, एंड ही ट्राइड टू एजेक्ट हिम, एजेक्ट मीन्स निकालना, और उसने यानी उस मकान मालिक ने ग्रिफिन को अपने घर से निकालने की कोशिश की। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और बदले में ग्रिफिन ने उस घर पर ही आग लगा दी। सेट फायर मीन्स आग लगाना। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे वहाँ से जाना, ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उसे अपने कपड़ों को उतारना पड़ा। उसकी वह वहाँ से जैसे ही निकला उसने उससे पहले अपने कपड़ों को उतार दिया। दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वांडरर, इस प्रकार वह एक बेघर घुमक्कड़ बना, अर्थात आवारा भटकने वाला बेघर व्यक्ति बन गया। विदाउट क्लोथ्स, जिसके पास कपड़े नहीं थे, क्योंकि कपड़े तो उसने उतार दिए थे। विदाउट मनी, वो बिना पैसों के था। एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल अदृश्य, मतलब नो वन कैन सी हिम अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, जब तक कि वह तब तक इनविजिबल रहा, यानी अदृश्य बना रहा, या उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं हुई। अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, जब तक कि उसने कीचड़ में पाँव नहीं रखे। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, जैसे ही वह आगे की ओर चला, वह अपने पीछे पीछे अपने पैरों के निशानों को छोड़ता गया। ही एस्केप्ड इजीली एनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, बट हिज एडवेंचर्स वर by no means over. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. It was mid-winter. The air was bitterly cold and he could not do without clothes. Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. He escaped easily. वह वहाँ से आसानी से बचकर निकला। Enough from the boys, उन जो लड़के थे जो उसके पद चिन्हों का पीछा कर रहे थे, वह उनसे आसानी से बच निकला। Who followed his footprints in London, दो लड़के जो कि लंदन में ग्रिफिन के पैरों के चिन्ह को का पीछा कर रहे थे, वह उनसे आसानी से बचकर निकल गया। But his adventures were by no means over. लेकिन उसके जो खतरे थे या उसके जो साहसी काम थे वो अभी ख़त्म नहीं हुए थे, अभी उसके साहसी कामों की गिनती होनी बाकी है। अब उसके जोखिम भरे जो काम थे वो क्या थे, ये हम आगे जैसे जैसे कहानी में आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स, He had chosen a bad time of the year. उसने साल का बुरा समय चुना, किसके लिए, to wander about London without clothes, बिना कपड़ों के लंदन में इधर उधर भटकना। उसने वह इधर उधर भटक रहा था और उसने गलत समय चुना। It was midwinter, क्योंकि जाड़े की जो ऋतु थी वो अभी आधी ही, जैसे हमारे यहाँ जाड़े की ऋतु नवंबर से और लगभग मार्च 15 तक चलती है, तो नवंबर से मार्च के 4 माह की जो ऋतु है, लगभग 2 माह विंटर पास हो चुका था, तो ये मिड विंटर चल रहा था, आधा जाड़े की ऋतु अभी थी। इसका अर्थ ये हुआ कि उस समय ज़्यादा ठंडा होता है बीच के टाइम पर। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, जो हवा थी बहुत ही ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वह बिना कपड़ों के लंदन स्ट्रीट, लंदन की गलियों में बिना कपड़ों के नहीं जा सकता, इधर उधर नहीं जा सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स मीन्स गलियाँ, गलियों
में से चलने के बजाय ही डिसाइडेड टू स्लिप इन टू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वार्म्थ। उसने तय किया या उसने फैसला किया कि वह लंदन के किसी भंडार गृह में अपने शरीर को गर्म करने के लिए प्रवेश करेगा। अब वह सोच रहा है, अब नाउ ही इज थिंकिंग दैट ही वुड एंटर इन अ स्टोर हाउस टू मेक हिमसेल्फ वार्म। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सून एज द डोर्स वर शट ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोदिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ सून विद शूज एंड ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट। ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, यानी भंडार जो स्टोर हाउस था उसका, उसको बंद करने का समय आ गया। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोदिंग। अब ये कहाँ घुस चुका है, उस स्टोर हाउस, एक स्टोर हाउस में घुस चुका है। और जैसे ही क्लोजिंग का समय हो, क्योंकि वो तो अदृश्य था, उसको कोई देख ही नहीं सकता था, तो जब उसके शटर खुले होंगे उस स्टोर हाउस के, तो वो वहाँ से बिना किसी के नोटिस में ना आकर वो वहाँ उस स्टोर रूम में घुस गया होगा। तो क्या होता है, द डोर्स वर शट, दरवाजे बंद हो गए। ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस मीन्स बिना खर्च के, है ना, फ्री में वह अपने आप को कपड़ों का और खाने का आनंद दिला सका। अर्थात उसे वहाँ कपड़े भी मिले और खाने के लिए भोजन भी मिला। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने ब्रोक ओपन बॉक्सेस में संदूक जो थे वहाँ पे, बॉक्सेस जो थे उसने उन्हें तोड़ा, जो ताले अगर लगे होंगे तोड़ा उन्हें। एंड रैपर्स और जो आवरण थे, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, और स्वयं को गर्म कपड़ों से उसने अपने आप को गर्म कपड़े, वहाँ कुछ गर्म कपड़े होंगे तो उसने उन गर्म कपड़ों से अपने अपने शरीर को ढका। सून विद सूज, जल्दी ही विद सूज, जूतों के साथ। एंड ओवरकोट, एक ओवरकोट उसे वहाँ मिला। एंड वाइड ब्रिम्ड हैट, एक चौड़ी चौड़ी किनारे वाला जो हैट होता है, जो गोल टॉप होता है। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड, अब वह एक पूर्ण कपड़ों वाला व्यक्ति बन चुका था। अर्थात उसका शरीर जो था वो पूर्ण रूप से कपड़ों से ढक चुका था। हिज एंटायर बॉडी वॉज कवर्ड विद ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। नाउ ही बिकेम अ विजिबल पर्सन, और जैसे ही वो कपड़े पहन लेता था तो क्या होता था, वह एक दृश्य अर्थात दिखने योग्य व्यक्ति बन जाता था। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो वैज्ञानिक था, यदि वो पूरे शरीर पर कपड़े पहनता था तो वो दिखाई दे सकता था किसी को भी, लेकिन जैसे ही वो कपड़े उतारता था तो वह अदृश्य हो जाता था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट एक जो रेस्टोरेंट था, रेस्तरा था, उसके किचन में, उसके रसोई में, ही फाउंड कोल्ड मीट, उसे ठंडा मीट, ठंडा मांस उसने उसे मिला। एंड कॉफ़ी, और कॉफ़ी मिली। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स, और उसने पहले भोजन किया, उसके बाद उसने मिठाई खाई। एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर, और जहाँ से जो ग्रॉसरी मीन्स जहाँ पे पंसारी की जो दुकान होती है, आपने सुना होगा, यानी जहाँ खाने पीने की चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे तो स्टोर था, तो इस स्टोर में
खाने पीने की चीज़ें भी रखी गई थी, तो इसने वहाँ से क्या किया, वाइन शराब निकाली और खाना भी खाया, और उसके खाना खाने के बाद उसने मिठाइयों का आनंद भी लिया। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ गुड्स। अंततः ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ गुड्स, और अंततः वह जो कुल्ट्स हैं, कुल्ट्स में से रजाइयाँ, रजाइयों के पाइल में से ढेर ढेर पर उसने सोने का निश्चय किया, और अर्थात वह रजाइयों के ढेर पर अंततः सो गया। तो कल से आगे पढ़ते हैं बच्चों।